चंदन क्यारी स्थित अनाज गोदाम में बिना गोदाम प्रभारी के प्राइवेट लोग गोदाम को खोलकर अनाज को गाड़ियों में भेजने का काम कर रहे हैं। चंदन क्यारी गोडाउन के लिए गाड़ियों से आए अनाज को गोदाम में नहीं रखकर सीधे गाड़ियों से ही अनाज भेजने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर जब जिला आपूर्ति पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने मामले की जाँच करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि चंदन क्यारी अंचलाधिकारी जो प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने अनाज पीडीएस दुकानों में भेजने की बात कही है। हालांकि गोदाम खोलकर अनाज भेजने वाले एक व्यक्ति ने यह स्वीकार किया कि वह लोग गोदाम प्रभारी के आदेश पर उनकी अनुपस्थिति में गोदाम खोलकर अनाज देने का काम कर रहे हैं। इससे बात का खुलासा तब हुआ जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप महथा सुबह सुबह अनाज गोदाम पहुंचे और आज रविवार छुट्टी का दिन होने के बावजूद अनाज लेकर मुख्यालय से आई गाड़ियों से सीधे बंगाल नंबर की गाड़ियों में अनाज लोड किया जा रहा था। इस दौरान अनाज गोदाम भी खोल दिया गया है, लेकिन गोदाम के एजीएम भी गोदाम में मौजूद नहीं थे। वहां उपस्थित लोगों से पूछताछ करने पर लोगों ने कहा कि वे लोग मजदूर हैं और एजीएम के आदेश पर उनकी अनुपस्थिति में अनाज भेजने का काम कर रहे हैं। जिला महामंत्री ने कहा कि प्रखंड में चावल चोर चावल की कालाबाजारी करने में लगे हैं, अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। बिना एजीएम की उपस्थिति में गोदाम खोलना और कहीं सूचित नहीं देना, अधिकारी को फोन करने पर वे लोग भी जवाब नहीं दे रहे। बताते चले कि दो दिन पूर्व स्थानीय विधायक अमर कुमार बावरी ने अनाज की गड़बड़ी को लेकर बीडीओ और सीओ को फटकार लगाई थी, बावजूद उसके अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। सुबह से लगातार कई गाड़ियां यहां से बंगाल के नंबर की गाड़ियां और सारी कई गाड़ियां जो फुटेज भी है वो सारी गाड़ियां यहां से माल लेकर के निकल रही है 8 बजे सुबह से ही। पर जब यहां के लोगों को पूछताछ किया गया कि यहां पे एजीएम है क्या या किसके उपस्थिति में ये चावल यहां से निकाला जा रहा है, कोई यहां जन वितरण प्रणाली के दुकानदार भी नहीं है जो अपना अनाज रिसीव करें और अनाज रिसीव करने के बाद ही अनाज को दुकानदार लेके जाता है, लेकिन कोई दुकानदार यहां पर उपस्थित नहीं है, एजीएम उपस्थित नहीं है और उसके बाद धड़ल्ले से गोदाम को खोल करके चावल की चोरी की जा रही है। गाड़ी के ऊपर से गाड़ी में लोड हो रहा है, गाड़ी का गोदाम का माल भी जो अनाज है वो गोदाम के अंदर नहीं जा रहा है, गाड़ी से ही गाड़ी के ऊपर ले जाया जा रहा है। गोदाम का शटर खुला हुआ है, गोदाम से भी कुछ लोड हो रहा है और पूरी तरह से एक लूट तंत्र मचा के रखा हुआ है ये चावल चोर लोग। और सुबह से ही लगातार, और सबसे बढ़िया मना आश्चर्यजनक बात यह है कि कोई अधिकारी नहीं है। जब यहाँ पूछताछ किया गया तो अधिकारी की जगह में साफ साफ ही लोग बोल रहे हैं कि उन लोग के जगह में किसी को प्रभार भी नहीं दिया गया है, एजीएम की जगह किसी को प्रभार भी नहीं दिया गया है और धड़ल्ले से यहाँ से चावल निकाला जा रहा है। बिना जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के माल को रिसीव करने के बावजूद रिसीव नहीं करने हैं, उसके बाद भी ये लोग चावल चोरी धड़ल्ले से कर रहे हैं। जब हमने पूछा कि यहाँ कोई दुकानदार है क्या, कोई दुकानदार यहाँ पर माल रिसीव करने वाला नहीं है और माल को यहाँ से ले जाया जा रहा है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। साफ तरह से पता चल रहा है कि किस तरह से चावल की चोरी चंदन क्यारी में धड़ल्ले से हो रही है। मैंने बड़े पदाधिकारी सीओ को सूचना देने का काम किया, जो एमएफ के चार्ज में है, वो साफ तरह से फोन काट रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं वहाँ पे एजीएम होगा, ये होगा, वो होगा, एक बहाना बना रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। वीडियो को बात किया, वीडियो को बोला कि गाड़ी के ऊपर से गाड़ी लोड नहीं होना चाहिए, हमने बोला आप यहाँ आइए, बोला मैं बाहर हूँ। पहले तो माननीय विधायक जी सूचना देते हैं तो जब बोल रहे हैं कि हम लोग को कोई सूचना नहीं है, जब सूचना दिया जा रहा है तो अब वो लोग एक बहाना एक तरह से टालने का काम कर रहे हैं।